नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC में फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की वैकेंसियाँ आई हैं। वैकेंसियाँ काफ़ी हैं दोस्तों, तो इसके बारे में आपको फुल डिटेल दे देता हूँ। डिटेल्स वीडियो स्टार्ट करने के पहले प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो है, और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होंगे। इसका जो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो है 6 मई 2018 तक, और क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर डिपॉजिट ऑफ फी जमा करने की अंतिम तिथि है वो 8 मई 2018 है। इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 1646 फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की 1646 पोस्टें काफ़ी हैं। जनरल SC ST OBC जितने भी हैं उन सब के लिए कितनी रिजर्व हैं वो आप देख सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो है 10+2 मतलब 12th पास इस, और इसके लिए हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइवर लाइसेंस होना ज़रूरी है। और क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता दूँ, इसमें हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट 10 या 10+2 में होना ज़रूरी है। इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंच होना चाहिए। वेट जो है वो 54 किलो होना चाहिए। चेस्ट बिना फुलाए 32 इंच और आफ्टर एक्सपांड 34 इंच होना चाहिए। आई साइट 6x6 होना चाहिए और कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी नहीं होना चाहिए। एंड शेल है पास्ड बेसिक कोर्स इन फायर फाइटिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब उसे फायर फाइटिंग का जो है वो कोर्स किया हुआ होना चाहिए। इसकी एज लिमिट जो है वो मिनिमम 17 साल से 42 साल तक इसकी एज लिमिट है, और जो पे स्केल है वो ग्रेड पे 2400 रुपी ग्रेड पे है। आगे इसके बारे में बता देता हूँ, इसमें एग्ज़ाम में जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम होगा जिसमें 90 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स जो है वो एक्सपीरियंस वालों को मिलेंगे। जो एग्ज़ाम होगा वो OMR शीट पर भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है, ये बाद में कंफर्म होगा दोस्तों। ये देखिए, आपको जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 10th या 12th की मार्कशीट चाहिए जिसमें डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म हो जाए, उसकी स्कैन कॉपी आपको फॉर्म भरते टाइम लगेगी। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन डली इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कोई स्पोर्ट्स का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके बाद आपको हरियाणा का डोमिसाइल लगेगा, और इसके बाद आपको जो चालन वगैरह है उसकी स्कैन कॉपी लगेगी, स्कैन फ़ोटो और स्कैन सिग्नेचर लगेगा आपको ऑनलाइन। इसके बाद फी जो है वो जनरल कैटेगरी के मेल और फीमेल के लिए 100 रुपये है, फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंसी ओनली हरियाणा के फीमेल के लिए 50 रुपये है। SC BC और अदर कैंडिडेट जो भी हैं रिजर्व वाले उनके लिए मेल के लिए 25 रुपये और फीमेल के लिए 13 रुपये निर्धारित की गई है। एक्स सर्विस मैन के लिए हरियाणा के उनके लिए कोई चार्ज नहीं है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए कि जो है वो ओपनिंग नोटिफिकेशन तो 28 मार्च को आ गया था, लेकिन एप्लीकेशन जो है वो 6 अप्रैल से बिगन हो जाएंगी, वो 6 मई को लास्ट है, और एग्जामिनेशन फीस करने की लास्ट डेट है 6-8 मई। ओके दोस्तों, और फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, एज लिमिट आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन मैंने आपको सब बता दिया। टोटल वैकेंसी हैं 1646 वैकेंसी जो कि आगे बढ़ घट सकती हैं, लेकिन इतनी वैकेंसी हैं काफ़ी हैं दोस्तों। दोस्तों जो भी अपना ड्राइवर फील्ड में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी है फायर ऑपरेटर का ड्राइवर की। तो दोस्तों आप प्रिपरेशन कीजिए और अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए नोटिफिकेशन लाता रहूँगा गवर्नमेंट जॉब के हर तरह से। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।